कमी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू दी पावर माइनस टू पॉलिनोमियल में निगेटिव की पावर नहीं होती है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ निगेटिव की पावर आ रही है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, नॉट ए पॉलिनोमियल सेकंड क्या पॉलिनोमियल है? नो सर, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो हाफ भी नहीं हो सकती है, उसके ऊपर इंटीजर होना चाहिए, और x टू द पावर माइनस हाफ ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और थर्ड देखो क्या सही है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर प्लस 3 x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस हाफ हो जाएगा क्या? yes, नीचे की पावर ऊपर चली जाएगी, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 3 और x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 होता है, तो ये एक क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, सो इसका आंसर हो गया सी इज पॉलिनोमियल। थर्ड देखिए, अगर पी ए बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन व्हिच इज ट्रू अबाउट ए एंड बी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट है ए और बी, तो किसे पॉजिटिव होना चाहिए और किसे निगेटिव? सर बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। यस, तो इस तरीके से ए को निगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? सी, सो सी इज करेक्ट क्योंकि ए निगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया। फोर्थ देखिए, इफ पी एक्स वाई एंड पी डैश वाई एक्स आर सेम पॉइंट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो अगर मान लीजिए दो पॉइंट सेम है तो इसका क्या मतलब है? अगर एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट है और वो वाई एक्स के इक्वल है, तो इससे आप क्या समझते हो? कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट तभी इक्वल होते हैं जब दोनों सेम हो। यस सर, और ऐसे तो कोई इक्वल नहीं हो सकते, तो एक्स को किसके इक्वल होना चाहिए? वाई के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है? वेयर एक्स इज इक्वल, हां इधर बैठा, एक्स को वाई के इक्वल होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, क्योंकि x माइनस y इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, सो c इज करेक्ट। फिफ्थ देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डेफिनेशन द एंड्स ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए? बोलो, यूक्लिड की डेफिनेशन के हिसाब से जो एंड ऑफ लाइन है उन्हें क्या होना चाहिए? सर फोर्थ का c कैसे हुआ? फोर्थ का भाई, अगर मान लो वो कह दे कि कोई दो पॉइंट किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में सेम है, तो क्या मान लीजिए ये 2 3 भी है और ये 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 भी है, क्योंकि ऐसा पॉइंट तो ऐसे ही हो सकता है? पॉइंट होगा देखो, हाँ पॉइंट होगा इसका आंसर। ये फोर्थ का पूछा है, अगर x y y x के इक्वल है तो इसका मतलब है ये तो तभी हो सकता है कि जब x और y इक्वल हो। क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1 2 जो है वही 2 1 है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कार्टेशियन में कोई पॉइंट, ये दोनों इक्वल होंगे क्या? ये चीज कब पॉसिबल है? जबकि ये दोनों ही सेम हो, x और y इक्वल हो तभी 1 1, और फिर उल्टा कर दो तो भी 1 1, तभी तो इक्वल हो सकते हैं। तो इसलिए x y y x से तभी इक्वल होगा जब दोनों इक्वल हो। अच्छा फिफ्थ देखो, एंड्स ऑफ लाइन क्या होंगे बताओ? पॉइंट्स, ये डेफिनेशन भी है यूक्लिड की, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बी। सिक्स्थ देखिए, so an angle is 18 degree less than its complementary angles then the measure of angle is, दो एंगल है तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा क्या होना चाहिए? x minus 18 degree, लेकिन जो भी complementary angles होते हैं उनका sum क्या होता है? 90, तो मैं इन दोनों का sum कर दूं 90 आना चाहिए कि नहीं? so sir, 90 into x minus 18, 90 into x minus 18 इसका है आंसर। देखो अगर एक एंगल x है, लेट वन एंगल इज x, तो दूसरा 18 लेस है कि नहीं कह रहा है? और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मान लीजिए एक जितना भी हो उससे दूसरा 18 हमने कम कर दिया, और क्या इन दोनों का सम 90 होगा? यस सर। तो x प्लस x माइनस 18 इसे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 90 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, सो 2x कितना हो जाएगा क्या? 108 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा अभी देख लेते हैं, 108 by 2, तो x कितना हो गया? 54। तो अब दूसरा एंगल कितना होगा? सो ये एंगल, वो अब जो दूसरा एंगल है वो तो इससे 18 लेस होगा ना, ये तो x है ना, तो दूसरा एंगल कितना होगा? कह रहा है मीजर ऑफ दिस एंगल, अभी तो दिस निकाला ही नहीं है, अभी तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है? x की। कह रहा है एक एंगल दूसरे एंगल से 18 कम है, वो एंगल क्या है? तो अभी हमने नहीं निकाला ना,
वो एंगल क्या है? 36. सो x माइनस 18 डिग्री को करो 36. 54 माइनस 18 डिग्री, तो ये 36 डिग्री कौन सा आंसर हो गया? A इज करेक्ट. सेवेंथ देखिए, सेवेंथ कह रहा है कैन वी ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद एबीसी 3 सेंटीमीटर बीसी. ऐसा हो सकता है? नो सर. चेक करो कि दो साइड के सम को, ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. कह रहा है एक को 3 सेंटीमीटर ले लें, एक को 3.5 सेंटीमीटर ले लें और एक को 6.5, तो ये दोनों तो इसके इक्वल हो गए. तो जब सम ऑफ टू साइड्स थर्ड के इक्वल हो जाएगा तब तो ये लाइन बन जाएगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर, तो ये तो कोलिनियर हो गए. क्या कोलिनियर होते हैं ट्रायंगल? नहीं सकते हैं. तो इसलिए एज सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो ठीक है कि नहीं, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता. नाउ सर क्या बी होगा, सी होगा? बी तो भी नहीं हो सकता. ये कह रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कह रहा है पता नहीं है, पक्का नहीं कहा जा सकता है. कि पक्का कहा जा सकता है, पक्का कहा जा सकता ना, तो इसलिए कहा जाएगा बी. इफ इन ए कोऑर्डिनेटर टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स आर एंड द अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल देन इट इज कॉल्ड. अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो साइड और टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, तो ठीक है ये काइट हो जाएगा. इस तरीके से होगा सर, उसके एडजेसेंट ये इक्वल हो गए और अपोजिट अनइक्वल है, ठीक है. सो इट इज अ काइट, डी इसका आंसर हो गया. नाइंथ देखो, नाइंथ क्या कह रहा है. नाउ नाइंथ में कह रहा है द एरिया ऑफ रॉम्बस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया, अगर किसी रॉम्बस के एरिया का क्या आपको फॉर्मूला पता है सर? हाफ इनटू सर 1 इनटू d1 इनटू d2, बोलो हाफ इनटू d1 इनटू d2 होता है ना. यस सर. तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू d1 इनटू d2. और एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया 20 है और एक डायगनल कितना है? 5. एक डायगनल 5 है, तो दूसरा डायगनल क्या होगा? d2. d2 इसको निकालो, 2 को उधर ले जाओ, तो ये 40 हो गया क्या? 2 into 20 और 5 को नीचे ले आओ, जो ऊपर वो नीचे आ जाएगा सर 8 सेंटीमीटर. तो d2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर. सो d2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. सो अदर डायगनल, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? c इज करेक्ट. नाउ कल याद रखिएगा 9 बजे क्लास है सुबह की, ठीक है? यस सर. यस सर. ओके नाउ सर इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले n माइनस 2 इनटू 180 का फॉर्मूला लगा के 520 आएगा, 540 आएगा और फिर उसे चेक करते हैं. सर्कल के अंदर लाई करते हैं, तो ऐसे करना है,
ये एंगल एक्स कहा जा रहा है तो सभी एक्स होंगे क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। अच्छा, क्योंकि उतना एन माइनस टू से बीच वाला 360 चला गया था तो वैसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो द कंस्ट्रक्शन वो 72। ठीक है, तो x क्या हो गया 54 हो गया और द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इन विच LM 8 है। सो 11th क्वेश्चन देखिए कि व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल LMN इन विच LM इज 8, ये 8 है 8 सेंटीमीटर और L पर कितना है 45 डिग्री एंगल है और ये हो गया एल एम और आपसे कहा गया एम एन प्लस एल एन, सो एम एन प्लस एल एन इज पॉसिबल द कंस्ट्रक्शन इन विच एल एम एट है और ये 45 डिग्री है, सो इट इज पॉसिबल। सीबीएसई ऑनलाइन नंबर 11। सो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये गड़बड़ सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि दो साइड का सम ऐसा बनना नहीं चाहिए था, ये है ना, कह रहा दो साइड का सम इट शुड बी ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसको 9 होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते ना 9 होना चाहिए, 10 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, कोई ये तो नहीं कह सकते कि 9 होना चाहिए, इसका आंसर 9 दे रहा है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, दो साइड का सम क्या होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो तो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्या लिखना चाहिए, दो साइड का सम क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, है ना।
अब देखो द थर्ड क्वेश्चन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 25 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. तो किसी भी ट्रायंगल में एक 25 है और दूसरा क्या है 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर और तीसरा क्या है 12 सेंटीमीटर है. अच्छा ये बताओ कि इसमें जैसे अगर मैं एल्टीट्यूड डालूं, एक मैं बना के दिखाता हूं, 25 सबसे बड़ी साइड होगी कि नहीं? Yes, sir. 25 है और कितनी 17 और 12 है तो मैं ऐसे ले लेता हूं, 25 सबसे बड़ी ले ली और एक ले लो 17 ले लो एक ले लो 12, ये 25 लग रही है. Yes, ये 17 सेंटीमीटर लग रही और ये 12 सेंटीमीटर लग रही. Yes, तो कोई बड़ी लग रही फिर भी ना. Yes, sir. अच्छा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कब पड़ेगा, क्या जो सबसे छोटी साइड है उसी पे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है? चेक करके देख लो, देख लो एक एल्टीट्यूड ये गिरा, ये तो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ी साइड है उसमें सबसे छोटा एल्टीट्यूड है. और फिर एक एल्टीट्यूड ऐसा होगा जो जैसे 12 पे गिरेगा, तो 12 पे कैसे एल्टीट्यूड गिरेगा, क्या इधर गिरेगा? सबसे बड़ा होगा और वही सबसे बड़ा होगा, तो हम इसी को पता कर लें कि कितना होगा, यही तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है. अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है, कि एक इसे हम हाइट भी तो मान सकते हैं, एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड को क्या मान सकते हैं, हाइट. अच्छा इसका एरिया क्या हेरोंस फार्मूला से निकाला जा सकता है? Yes, sir. और क्या इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो हेरोंस फार्मूला से निकालेंगे और जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से का उनको इक्वेट करके हम हाइट या एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं. Yes, sir. तो मैं वैसा करने जा रहा हूँ. तो ए बी सी द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ठीक है विल बी ऑन शॉर्टेस्ट साइड. सो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा कर दिया. एस की वैल्यू निकालो, तो एस कितना आ गया, दैट इज 25 प्लस 17 और प्लस 12 बाई 2, तो इस ये कितना आ गया 54 आया और ये 27 सेंटीमीटर. सो अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, 27 27 माइनस 25 27 माइनस 17 और 27 माइनस 12 ये डाल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो. 27 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 15 इतना आ गया. अब इसको और छोटा तोड़ो तो पता चल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ओके दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 3 कर लो, क्योंकि 9 का तो जोड़ा नहीं बनेगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 12 का भी आप अलग ही अलग कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 2 क्योंकि 4 भी नहीं बन रहा है कहीं, और 10 का क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, देखो एक 3 का बन गया, दूसरा 3 का बन गया, 2 का बन गया, 5 का भी बन गया, कुछ बच गए ना, कुछ अंडरवुड की गड़बड़ भी क्या है क्या, 2 हुआ 3 बच गए, अंडरवुड 6 तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, सिर्फ 2, तो 2 का भी जोड़ा बन गया और ये 3 का, तो ये बन ही गया, सारे बन गए, तो इट इज तो बच गया, नहीं बचा कुछ, नहीं बचा इस थ्री का, फिर से देखो देखो सर, नहीं बचा, 3 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 2 और इसको क्या लिखोगे, 2 इनटू 5 2 इनटू 5 और इसे 5 इनटू 3 यस सर, तो 1 2 हां यस सर हो गया, ये और ये, सो 3 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 5 9 इनटू 18 18 5 जा
लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्या होता है? क्या हाफ इनटू बेस इनटू हाइट? बेस इनटू हाइट सर, तो 90 रूट हो। देखो 90 है, 90 रूट से निकाल लिया ना, जोड़ा है, जोड़े से निकल गया तब तो रूट हट गया ना। तो हाफ इनटू 12 और इनटू हाइट तो ये 6 हुआ, तो 90/6 क्या हो गया? 15। तो जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या हो गया? 15। अब देखो सर, हाँ लॉन्गेस्ट साइड का क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड क्या? सर लॉन्गेस्ट साइड का साइड क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं सर, द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा ऐसा पूछा, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन लॉन्गेस्ट साइड। फिर हम लोगों ने गड़बड़ किया, फिर हम इसे एच लें, इसे लें एच ना, फिर इसे लॉन्गेस्ट साइड पे एल्टीट्यूड पूछा है ना। यस 25। तो फिर ये नहीं ले सकते हैं, फिर हम क्या लेंगे? हाफ इनटू बी की जगह क्या देख के लेंगे? 25। दैट इज 25 इनटू एच, सो हाफ इनटू 25 इनटू एच, सो 90 इक्वल टू कर रहे हैं। वो कह रहा है एल्टीट्यूड ऑन लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा कह रहा है वो, ये नहीं कह रहा है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। सवाल पढ़ो। यस सर, यस सर। ऐसा कह रहा है, ठीक है, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑन लॉन्गेस्ट साइड। तो 2 उधर ले लो, 90 into 2y 25, it is equals to h, तो 5 से कटेगा, 5 5 5 8 14, और तो कुछ नहीं कटेगा, that is 36y 5 is equals to h, तो 5 से करो, 5 7 7.2 centimeter, ये हो गया। Now ये 12th question है, अब इसका और देखो, perimeter of equilateral triangle is always equal to how many times of three times. Okay, now of a solid is the amount of space enclosed by bounding surface. Amount of, ये बात सही, volume ही तो होता है कि कितना वो space occupy करता है। So volume of solid. So question number 13 का fill in the blanks होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन? ये तो अच्छा इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर सबको एक लाइन से खड़ा कर दो, बहुत सारे लोगों को, और फिर उनकी देखो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी ये वाली, तो इसको क्या कहते हैं? मीडियन। ये वाली मीडियम इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें सम नहीं किया जाता है, बस एक तरफ से खड़ा कर देते हैं। अब देखो, एन एक्टिविटी विच रिजल्ट इन ए वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। वेल डिफाइंड, इसको चेक कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सर एन तो ई से स्टार्ट है, ये बात सही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आई है। यस सर। सो आंसर नंबर 15, ये बात सही है, एक्सपेरिमेंट है। ओके नाउ 16th देखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर आपने कोई डाइस फेंकी है और उससे कोई एक पर्टिकुलर आपका आउटकम आ जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट हो गया। जिसमें वेल डिफाइंड कोई चीज मिल जाए उसे क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। ओके नाउ 16th, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल? डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, तो जीरो पॉलीनोमियल होता क्या है? सर जिसका वो, सर जिसकी पावर जीरो है, वो खुद ही जीरो। यस सर। और जीरो को क्या लिख सकते हैं? क्या जीरो इनटू एक्स टू द पावर कुछ भी लिख सकते हैं? 10 भी कोई लिखेगा, कोई 20 लिखेगा, कोई 1 भी लिखेगा, कोई इसकी डेफिनेट वैल्यू तो नहीं है। तो जीरो तो सर जीरो इनटू एक्स कोई 1 भी लिख सकता है, अगर एक्स लिखेगा तो 1 लिख देगा, तो क्या ऐसा लिखना ही होता? नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ जीरो है ना, तो इसमें कोई भी कुछ भी लिखेगा, जीरो आना है, तो कोई क्लेम कर सकता है कि इसकी कितनी डिग्री है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब देखो, अगर कांस्टेंट पॉलीनोमियल की कितनी डिग्री होगी? 1। ये बात सही है कि जैसे कि उदयवीर ने कहा जीरो होगी, कैसे उदयवीर ने जीरो बताया? क्योंकि कांस्टेंट पॉलीनोमियल जैसे कोई भी नंबर पावर जीरो हो, जैसे 3 है ना कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो क्या 3 को कोई 3 इनटू x टू द पावर 0 लिख देगा? यस सर। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0।
डिग्री जीरो लीनियर पॉलिनोमियल की, बोलो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या हुई? टू टू, ये बात ठीक कह रहे हैं, जैसे कि 2x+3 का ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या हुई? जीरो, ये भी ठीक कह रहे हैं, वन हुई कि नहीं, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? वन वन हुई, और इसी तरीके से तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री सर क्वाड्रेटिक 4 होता है, बाय क्वाड्रेटिक मोर देन 4, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, x plus 7, तो एक क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं? Yes, सेकंड डिग्री हुई कि नहीं? और क्यूबिक की? 3 सही है। अब देखो, अच्छा चार चीजें पूछेंगे उदयवीर आपसे, ये मुझे बताओ कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? नहीं सर, कांस्टेंट की बात नहीं है। भाई एक चीज बताओ, बात शॉर्ट हो नहीं, लीनियर पॉलीनोमियल के लिए। सर पॉलीनोमियल बाद में तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छी बात है, बोलो लीनियर पॉलीनोमियल के लिए। कुछ रिस्पॉन्ड करा करो, बोलो। हाँ। और कांस्टेंट की? बोलो सर। कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल 3 है, तो 3 को 3×1 नहीं लिख सकते हो। तो 1 का मतलब x^0, समझ रहे हो कि नहीं? लीनियर पॉलीनोमियल की 7, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की 0, और 0 पॉलीनोमियल की 0 लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की 2, क्यूबिक की 4, 3, 3 क्यूब है ना, क्यूब में 3 सारे नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज है पॉलीनोमियल की डिग्री पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है पॉलीनोमियल की डिग्री पे, सो दैट वी शुड नो। अब देखो, जो कल सैंपल पेपर कराएंगे वो मैं भेज दूंगा आज। सैंपल पेपर खुद का भी हो तो आप ग्रुप में मेल कर सकते हो, जो पूरा टर्न वन का हो, पूरा एमसीक्यू बेस्ड हो, किसी के पास ऐसा हो तो हम उसको भी डिस्कस करें। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच लाई एट अ डिस्टेंस x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, x यूनिट किससे हो बताओ? x एक्सिस, एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एक्स यूनिट, बात समझ में आ रही है सर? एक्स वन, तो ये हो गया, और वाई एक्सिस से कितना दूर हो? वाई यूनिट, तो बताओ इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? एक्स वन, एक्स वन, वाई एक्स, वाई एक्स, वाई एक्स, क्योंकि वाई इधर चले, वाई से कितना दूर? वाई, वाई इधर कैसे? वाई वो कह रहे हैं वाई से वाई दूर। अच्छा अच्छा, तो ये पॉइंट अगर यहाँ से वाई दूर तभी होगा, जैसे ये देखो वाई, ये जैसे मान लो 2, 3 है, तो y से 2 दूरी पर है, तो जो एक्सिसा होती है क्या y, वो y से डिस्टेंस होती है। yes, yes, और ये जो ऑर्डिनेट होता है क्या वो x से होता है? तो y से y दूर, तो y यही हुआ कि नहीं? और x से x दूर, तो ये डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? x, लेकिन सर x पहले लिखते हैं ना सर, लेकिन x पहले लिखते हैं ना सर, x और y से मतलब नहीं, a भी लिख सकते हो, c भी लिख सकते हो, ऐसे ही x y या y x कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं। वो कह रहा है y से y दूरी पर है, तो y से जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है बताओ? तो ये जो डिस्टेंस है y से जितना y से हट जाएगी बोलिए से, तो वो चीज पहले एक्सिसा चले, यहां से जब आप हटते चले जाते हो तो एक्सिसा चलते हो, y चले, फिर अब यहां से हटे ऑर्डिनेट,
तो वो ऑर्डिनेट होता है, तो इसको कह रहा है वाई से वाई दूरी। यहाँ देख लो कि ये जो टू है ये किससे दूरी है सर, ये वाई से दूरी है कि नहीं, और थ्री किससे दूरी है एक्स से, तो बाद वाली जो होती है वो एक्स से दूरी है। पढ़ लो सवाल में, तो वो इसीलिए दे ही रहा है सवाल ऐसा करके उल्टा करके कि आपसे पूछने के लिए कि जैसे आप गलत करो। सो वाई यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जैसे हमारा पॉइंट टू थ्री है तो ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, टू दूरी पर है कि नहीं, और बताओ x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस, सही है 3 यूनिट का डिस्टेंस। अब जरा देखो 18th क्वेश्चन सर, लेकिन लिखा तो पहले ऐसे नॉर्मली तो x का पहले लिखते हैं ना, ऐसे एक्स वाई लिखते हैं, ऐसे ए बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो सिंबल है, सिंबल तो कुछ भी हो सकता है सर। ऐसा आएगा कि 2 और 3 को लोकेट करो तो सर x से 2 को लेंगे, 2 और 3 को लोकेट करना, तो जो 2 है वो किससे डिस्टेंस है, क्योंकि वो x एक्सिस पे चली गई है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे जिस सड़क पे चल रहे हो क्या उसी से डिस्टेंस है तुम्हारी, दूसरी सड़क से दूर होते चले जा रहे हो, तो तुम चल किस पे रहे हो, क्या x पे, तो वो x से डिस्टेंस तो नहीं हो सकती, क्योंकि x की सड़क पे चल रहे हो तो क्या x से ही दूर होते चले जाओ, तो y से दूर, और जब y की सड़क पे चल रहे हो तो x से दूर। अब देखो कि इन ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के कांग्रुएंट है, ऐसा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है बुक में, इसमें दिया हुआ है सैंपल पेपर में एबीसी, सो ए बी सी और पीक्यूआर सो पी क्यू आर ये 5 है ये 4 है, क्या चीज किसके कांग्रुएंट है बताओ, सो एबी के एबी इज कांग्रुएंट टू आर, बीबी एसी इज कांग्रुएंट टू पीआर, और बीसी इज कांग्रुएंट टू आर, आर तो सर आर क्यू इज इक्वल टू 4 इक्वल टू पीक्यूआर, तो वो आपसे क्यूआर पूछा, क्या क्यूआर आप बता सकते हो, इज इट 4 और सीधी सी बात है 4 यूनिट्स हुआ, सो क्यूआर क्योंकि ये सीपीसीटी से हुआ, करेस्पोंडिंग पार्ट से किससे हुआ, फोर यूनिट्स corresponding parts of congruent angle, सही है। अब देखो कि volume of sphere दे रहा है, find its radius, क्या आपको sphere के volume का हमने तो formula दिया है, क्या आपको मालूम है, यही होता है। अब इसमें हम ये value डाल दें और हम निकाल लें radius, तो volume of sphere लिखो, four by three pi r cube पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 38808, इट इज इक्वल्स टू 4/3 22/7 और आर का क्यूब, पहले आर क्यूब निकालो, ये सारी चीजें आप इधर ले आओ, नीचे के ऊपर ले लो, ऊपर कितना 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तब पता चलेगा कि, तो तीन के जोड़े बनाओ, क्योंकि क्यूब रूट निकालोगे ना, जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो दो के जोड़े बनाते हो, और क्यूब रूट में तीन के जोड़े बनेंगे, नाउ 38808 इसमें मल्टीप्लाई करो 3 का और 7 का, और नीचे क्या लिखोगे 4 × 22, इसे 11 से कट करो, इसे भी करो 11 3 जा 33, तो बोलो 58 आया, 11 5 जा 55, 30 बचा, तो बताओ 11 2 जा 22, तो 8 बचा, 8 आएगा, अब इससे 2 से कट कर दो, तो 1764 आया, अब इसको 4 से कट कर दो, 4 जा 16 और फिर 16 आ गया, और ये आ गया 441 आ गया, 441 किसका फैक्टर है, 441 का मालूम है आपको, 21 का है, तो 21 है, 21 × 21 और ये भी क्या 21 ही है, तो 21 × 21 × 21 और उधर क्या ये r क्यूब है, तो क्या 21 का क्यूब r क्यूब है, यस सर, तो r कितना हुआ 21 सेंटीमीटर, सो r = 21 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है कि रेंज बतानी है, तो आप इसमें रेंज का फार्मूला क्या होता है, हाईएस्ट दैट इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन,
बोलो तो कुछ नहीं क्यों ले लो दोनों तरफ क्यों की बना 26 ये तो मैंने पहले लोवेस्ट हाईएस्ट 32 है लोवेस्ट 6 है लोवेस्ट 6 है दो कम हो गया दैट इज 26 इसमें आप भी लीजिए ना 21st क्वेश्चन देखिए रूट 2 है बाय रूट 3 भी नाउ रूट 2a स्क्वायर और प्लस 2 रूट 6ab और प्लस 3b स्क्वायर ये चीज कही गई है तो अब देखो हमारे पास ये चीज है 2a स्क्वायर है तो मैं 2a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं क्या मैं इसे रूट 2a का होल स्क्वायर लिख दूं बोलो ऐसा करने से ये आ जाएगा और 3b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो चेक करो ये देखो रूट टू ए और इंटू रूट टू ए इससे क्या आएगा बताओ टू ए स्क्वायर तो इसका मतलब है कि ये चीज याद नहीं अच्छा थ्री बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो रूट टू ए इंटू रूट थ्री बी का होल स्क्वायर और इसको क्या टू रूट टू ए और रूट थ्री बी भी लिख सकते हो ये बिल्कुल वही चीज बन गया कि नहीं टू ए बी और देख लो 2 रूट 6 ए भी यही हो भी क्या तो बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ए भी ये प्लस 2 एक्स वाई ये क्या होता है क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बात उधर भी समझ में आई क्या किया गया yes, सर, वो आइडेंटिटी लगाई है आइडेंटिटी और इस चीज को हम लोगों ने किया ये देखो वैसे ही लिख दिया हाँ. तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी रूट 2 ए और रूट थ्री बी का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट से कट जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा रूट थ्री बी यही कार्तिक ने बताया था ठीक है भाई आपने इसको ये लिखा ये चीज समझ में आई सुधांशु की नहीं आई बताओ तो बता नहीं है अच्छा देखो ये बताओ टू ए का स्क्वायर है तो टू टू को क्या रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हो 2 को क्या ये चीज समझ में आती कि नहीं रूट 2 का स्क्वायर क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो हाफ पावर होती है ऐसे रूट 2 का स्क्वायर भी करोगे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है पहले बताओ क्या रूट 2 इंटू रूट 2 होता है यस सर या रूट के अंदर 2 इंटू 2 होता है और ये 2 ही है तो हमने इसको लिख दिया रूट टू का स्क्वायर तो क्या इसे रूट टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं yes, sir. जैसे 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर पहले चैप्टर में 1.5 एक्सरसाइज था तो 7 इंटू 8 का होल स्क्वायर लिखा था कि नहीं yes, तो वही फार्मूला आइडेंटिटी लगा दी एक्सपोनेंट वाली तो वही चीज हमने लिखी है मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू के स्क्वायर से 2 आ जाएगा और 8 स्क्वायर से आ जाएगा ऐसे यहाँ किया और इसे देखा जाए तो 2 रूट 6 को क्या 2 रूट 2 रूट 3 लिख सकते हो जरा देखो इस चीज को 2 रूट 6 ए बी को क्या लिख सकते हो क्या 2 रूट 2 इंटू 3 ए बी लिख सकते हो यस सर अच्छा इसे क्या रूट 2 इंटू रूट 3 ए बी लिख सकते हो फर्दर इसे 2 के आगे रूट 2 ए और रूट 3 बी भी लिख सकते हो यस सर बोलो ये वही चीज लिखी है कि नहीं तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई नहीं है क्या ये तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं तो फिर ये x plus y हो गया अब यही इसका आइडेंटिटी हो गया इसका आंसर हो गया अगला देखिए सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ गया चेक कर सकते हैं एक बार चेक कर ऐसे नहीं सॉरी गाइस में और भी है ओके नेक्स्ट नाउ आइए समझ में आया आपको कि कैसे किया गया है बोलो हैव यू अंडरस्टूड इट प्रार्थना आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रार्थना अब देखो इसका और पार्ट देखो 4 प्लस रूट 6 और 4 माइनस रूट
4 माइनस रूट 6 प्लस 4 माइनस रूट 6 अपॉन 4 प्लस रूट 6। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या नीचे नीचे की चीज लिखनी जाती है। यस सर। तो बताओ इसमें नीचे क्या है, 4 माइनस रूट 6 और यहाँ क्या है 4 प्लस रूट 6। अच्छा आप देखो इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या बचेगा, ये बचेगा भाई, इससे इसमें डिवाइड कर दो तो ये बचा। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया। इतनी समझ में आ गई बात? जैसे आप ये देखो ना 7 बाई 8 प्लस 3 बाई 11, तो क्या इसका एलसीएम 8 इंटू 11 नहीं लिखते हो? आप 8 से 8 डिवाइड कर देते हो 11 बचता है कि नहीं, वही चीज कर। तो इससे इसमें डिवाइड कर, ये बचा इसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस रूट 6 का स्क्वायर, इससे इसमें डिवाइड कर दो तो ये बचा इसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। नाउ प्रत्युष मुझे 4 प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी बोलो उधर सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और प्लस b स्क्वायर 6 और इससे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये दोनों चीजें कट जाएंगी क्या, देख लो इसमें प्लस के साथ इसमें माइनस के साथ, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 6, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, जैसा कि प्रत्युष ने कहा कि ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, एक बात तो कही थी प्रत्युष ने, a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब यहाँ से कितना बनेगा 4 स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर प्रत्युष क्या है सर, रूट 6 का, 6 का हाँ 6 सेकंड है। आप तो हर चीज कैलकुलेट करने लगते हो, मुझे पूछो कैलकुलेट करने से कैसे निकालोगे तो सर। हाँ सर, ऊपर वाला 4 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 4 माइनस अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ना हम इसको भी रेशनलाइज करके कराएंगे सर, लेकिन रास्ते में तो प्लस है तो आपने उसे इनटू का स्क्वायर कैसे, ये ना हाँ। तो जैसे इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया, फिर इससे इसमें डिवाइड किया तो ये बचा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया ये बचा, और ऐसे इससे डिवाइड किया तो ये बचा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया। अभी दूसरा मेथड बता रहे जो आप रेशनलाइज कर रहे हो ना वो भी बता रहा सर, 2 * 4 वो वाला कट गया पूरा, ये तो बिल्कुल कट गया क्योंकि 8 रूट 6 है, ये भी 8 रूट 6 है। अच्छा 16 प्लस 16 32, yes, 32 में 12 जोड़ो इसमें 44 बाई 10 तो ये कितना हो गया 4.4 आया, 1 तो नहीं आया। अब मैं रेशनलाइज करूं ये 1 कैसे आ रहा, मैं चेक करता हूं, अब आगे में तो नहीं आया 16 माइनस 6 आ रहा, चलो चेक करते हैं। तो 4 प्लस रूट 6 फिर से इसे कर रहे हैं दूसरे मेथड से कर रहे हैं, 4 माइनस रूट 6 रेशनलाइज में क्या नीचे का जो चीज होती है ऊपर मल्टीप्लाई होता है कंजुगेट से, तो नीचे का कंजुगेट क्या है 4 प्लस रूट 6 से इधर कर दिया, और अब अगला क्या लिखा है बताओ, 4 माइनस रूट 6 और नीचे क्या है 4 प्लस रूट 6, इसके कंजुगेट से किया, बोलो पवन समझ में आई बात कि नहीं आई, बस नीचे के जो कंजुगेट से मैं वही कर रहा हूँ। अब देखो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, एक मिनट कंजुगेट दिखा सर क्या इसके कंजुगेट से, रेशनलाइज में क्या करते हैं बताओ, देखो ये चीज है तो इस पहले वाले में नीचे के नीचे निगेटिव है तो प्लस से कर दो मल्टीप्लाई, उसमें भी ऊपर में भी यही करो, कभी भी ये चीज दी हो ना आपको जैसे 3 बाई 2 प्लस रूट 5 और कहा जाए इसको रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को किया जाता है, तो इसमें नीचे और ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ऐसा किया गया है कि नहीं पहले कभी, जैसे ये दिया है तो हम नीचे वाला जो है इरेशनल नंबर उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दें अपोजिट साइड से, तो ये चीज रेशनल बन जाती है और इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, देखो कि कैसे रेशनल बनती है, तो उसको क्या कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब मैं इसके उल्टे से कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने इसके उल्टे से किया और जो दूसरा वाला था क्या उसमें भी उसको प्लस रूट से इसमें 4 माइनस होगा ना, ये है ना सर ऊपर में ये वाला है, अरे सर वो आपने 4 ये ये है और ये तो सर वो प्लस था तो माइनस नहीं लिखा उसमें, 4 माइनस रूट 6 और 4 प्लस रूट 6 ऐसे है उसमें
सर उसका जो आपने नीचे लिखा ना ये ना लेफ्ट साइड का सर वो है ना आपने सर हाँ ये ना उसके नीचे 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 सर और में जो आपने लिखा है यहाँ पे हाँ सर उसमें 4+√6 लिखा है उसके बाद उसमें क्या लिखा है ये ना ये इसका रेशनलाइजेशन है प्रोडक्ट है इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसमें इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है तो अब इसमें क्या करा नीचे क्या आएगा बताओ जब 4² - 6 क्योंकि रूट सिक्स का स्क्वायर क्या होता है 6 ही होता है अच्छा इधर आइए इसे क्या लिखेंगे क्या 4 - 6 का स्क्वायर नीचे क्या आएगा बताओ 4² - 6 ये दिया गया तो नीचे इसमें क्या 10 आया yes, और इसमें भी 10 आया yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो ऊपर देखो क्या 16+4 का स्क्वायर किया चेक कर लेना yes, और रूट सिक्स का स्क्वायर क्या 6 होता है yes, और 2 × 4√6 और बाई 10 बोलो बात समझ में आई yes. और 4 का स्क्वायर 16 और रूट सिक्स का स्क्वायर 6 और यहाँ भी ये चीज कर लो तो -2 × 4√6 और बाई 10 बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई अब हम क्या करेंगे अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो एक ही के नीचे लिखेंगे तो 16+6 कितना हुआ क्या 22 22+8√6 और +22 - 8√6 और डिवाइडेड बाय 10 बोलो भाई इनको इनको जोड़ा और ये 8√6 ये 22 - 8 सब एक साथ लिख दिया बाय 10 लिख दिया 22+22 कितना होता है 44/10 हमारे में बन नहीं आ रहा आप लोगों में कैसे बन आ गया मैं चेक करता हूँ फिर भी इतना ही आ रहा सर अब मेरा भी 4.4 आ रहा मैंने कर मैं इसके आंसर से चेक कर देता हूँ अगर मान लो उधर भी तक सही हो नहीं सर मैं मुझे पता लगेगा मैं एक बार देख लेता हूँ कई बार बात सही होती है लेकिन पता नहीं चल देखो यही आ रहा है 4.4 ही है अब देखो नाउ ठंड लगे तो बता दे रहे हैं किसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि दैट इज कि मान लीजिए टू लाइंस हैं इफ दे आर एक्सटेंडेड मैं बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखा देता हूं एक बार देख लेता हूं क्योंकि पोस्टुलेट में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए सो फिफ्थ पोस्टुलेट से उसको समझ भी लेते हैं कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन जैसे टू स्ट्रेट लाइन है और उनपे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करी इसको कहते हैं कि ट्रांसवर्सल सो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट सर टू पैरेलल नहीं होगा नहीं टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर तो अगर मान लीजिए जो इसके इंटीरियर एंगल है और टेकन टुगेदर ये दोनों ये लेस देन है ये बड़े वाले हैं ये 90 से बड़े सो इसको क्या कहेंगे मेक द इंटीरियर एंगल मेक द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड ऑफ इट ठीक है टेकन टुगेदर अगर वो लेस देन हुए तो फिर क्या होगा लेस देन टू राइट एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स टू राइट एंगल्स का क्या मतलब है 180 से कम हुए तो क्या होगा देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडिफरेंटली यदि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए सो देन द टू स्ट्रेट लाइंस
then the two straight lines, if produced indefinitely, okay, meet on that side, meet on that side on which the sum of angle is, on which the sum of angle is less than two right angles. तो ये किधर मिलेंगी, जहां पर उनका एंगल टू राइट एंगल से कम उधर मिलेंगी कि जिधर ज्यादा है उधर मिलेंगी, कम वाले में। तो यदि एक लाइन फॉल करती है टू लाइंस पर, सो दैट इट इज मेकिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल लेस देन टू राइट एंगल इज इन, इफ दीज टू लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली देन दे विल मीट ऑन दैट साइड वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। बोलो बात समझ में आई, वो उसी तरफ मिलेंगी जिधर उनका सम जो है 180 से कम होगा। और अगर मान लीजिए पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 तो टू राइट एंगल है, तब क्या वे कभी मिल पाएंगी? नो सर, 180 से कम होगा। अगर एक डिग्री भी कम कर दो तो क्या मिल जाएंगी? यस सर, तब मिल जाएंगी। और अगर 180 रखोगे तब नहीं मिल पाएंगी, है ना? तो वो सही कह रहे हैं कि नहीं, एक डिग्री भी झुका दो तो मिल जाएंगी, और एक डिग्री इधर बढ़ा दो तो इधर कभी भी नहीं मिल पाएंगे, है कि नहीं? तो वही चीज वो कह रहा है, इधर ये यूक्लिड ज्योमेट्री आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी इसका काम पड़ता है, जो भी इसके पोस्टुलेट्स है ना वी आर यूजिंग इट, तो आगे के सभी जगह यूज हुआ है तो इसलिए हमने बता दिया। अब आगे देखो ना, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर लाइन्स एंड एंगल्स का देखो, 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं, सो ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये एक्स है, ये 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या एक्स पूछा जा रहा है? क्या सुधांशु मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना है? बोलो 19। ये सही बता रहे हैं आप, 45 प्लस 30। अच्छा, 75। चलो अच्छी बात है, आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा, जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपकी बात गलत होगी। क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यही तो लगाया है सर। ऐसे भी कर सकते हैं कि 45 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180, फिर वैल्यू निकल जाएगी, वो ठीक है, लेकिन इसका एक्सटीरियर तो यही है ना? यस यस सर। ओके, नाउ इसका एक और पार्ट भी है, चेक करते हैं। बीसी 2.6 है, बीसी लिख लो 2.6 सेंटीमीटर, और 2BD प्लस BC बाई 2, BD सारी वैल्यू लिखो, AC BD ऐसा कहा गया, तो क्या क्या चीजें कही गई, ये एंगल इक्वल दिए हैं और ये साइड्स इक्वल दी, इतनी बात कही, तो और कुछ नहीं दिया। बीसी 2.6 है, क्या इससे कुछ कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है आपको? ऐसे ऐसी मिल रही है सर, तो ये भी 2.6 हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है 2BD प्लस BC बाय 2, BD कितना हुआ? 2.6 से भी CT से हुआ कि नहीं? SAS, तो 2BD यानी 2 into 2.6, और BC खुद क्या है? 2.6 by 2,
तो ये कितना हो गया 2g2 कट गया 5.2 प्लस 1.3 सो दिस इज 6.5 सेंटीमीटर तो ये इसका हो गया 23rd क्वेश्चन का 24th देखो ना क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय तो क्या इसके लिए कुछ है आपके पास क्लू यस सर x इक्वल टू सर x की वैल्यू फाइंड करनी है ये सही बता रहा है सर x इज इक्वल टू -4/3 फिर इसे डाल हां यानी 3x -4 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसी को 0 पुट करके x की वैल्यू पता कर लो तो 3x इज इक्वल टू 4 तो x क्या आ गया 4/3 और इसी px में रख दो यही तो है पॉलीनोमियल तो रिमाइंडर आ जाएगा यही रिमाइंडर थ्योरम है कि जो x की वैल्यू आए वो उस पॉलीनोमियल में डाल दो तो रिमाइंडर आ जाता है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो तो मैंने जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको जीरो पुट कर दिया x की वैल्यू निकाली अब इसमें डालने जा रहा अच्छा क्यूब होगा क्यूब वैसे क्यूब और प्लस 3 × 4/3 और -7/9 3 × 64/27 6 × 16/9 3 से 3 कट गया तो 4 − 7/9 फिर आगे देखो 3 से इसे कट करो नहीं 9 2 सो 64/9 −32/3 और प्लस 4 − 7/9 यदि 9 को एलसीएम ले लिया जाए तो ये 64 है 3 आया है यहाँ से डिवाइड करने में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 96 4 बाई 1 तो क्या 1 से करोगे 9 आएगा 9 4 जा 9 से 9 करोगे 1 आएगा तो अब जरा देखो निगेटिव के कितने हो गए पॉजिटिव के कितने हो गए ये हो गए 64 प्लस 36 क्या 100 और ये हो गए 96 तो 4 -3/9 तो वो हो गया -3/9 सो -1/3 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम सर 64/9 है सर ये हां हां ये सर 64 है यहां से 9 आ गया बाय रिमाइंडर थ्योरम ये चीज हो गई नेक्स्ट देखिए Now, 25th question कह रहा है find the coordinates of the point which lies on x-axis both sir x zero which lies on x-axis both क्यों लिख दिया sir both शायद से गलती से misprint हो गया misprint ही हुआ ये x and y axis both ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन को अमेंड कर लो which lies on x and y axis both वो कौन सा पॉइंट होगा क्या जीरो जीरो ओरिजिन x एक्सिस पे भी लाई करता है y एक्सिस पे भी और सेकंड क्या है whose abscissa is 2 and which lies on x axis 2.0 सो 2 क्योंकि अब्सिसा होती है x एक्सिस ठीक है ना अब देखो 26th क्वेश्चन द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दिए गए हैं फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इफ ईच बेड ऑक्यूपाइज 9 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसमें हमें बहुत सारे फ्लावर बेड बनाने हैं
जबकि एक फ्लावर बेड कितना स्पेस ले रहा है? 9 मीटर स्क्वायर। तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स आ जाएंगे। तो पहले स्ट्रेंगुलर फील्ड के लिए एस की वैल्यू निकालो। ये 51 मीटर है, दैट इज 37 मीटर है, एंड दिस इज 20 मीटर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ही रेनॉल्ड्स फार्मूला से निकालोगे? यस सर। और फिर नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स क्या करोगे? एरिया कौन, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड। यस सर। इसको आप लोगों को पढ़ना है, कैसे करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ। कॉपी में ना, कॉपी में नहीं, पेज देता हूँ। बताया ना आपको, रेनॉल्ड्स फार्मूला निकाल लेना। और एक फ्लावर बेड के लिए कितना एरिया चाहिए? 9 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ ही जाएगा? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना रेनॉल्ड्स से, और फिर किससे डिवाइड करोगे? 9 मीटर स्क्वायर निकाल लेना, दैट इज नंबर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला लिखा रहेगा आपके पास, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सबसे पहले एस की वैल्यू निकालो, साथ तक देखो ये गड़बड़ करते हो। 54। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 37 प्लस 51 बाय 2, तो इट इज 108 बाय 2, तो 54 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल मीटर, सॉरी। तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सो इट इज रूट 54 माइनस 37 54 माइनस 20, एंड 54 माइनस 51 तीनों लिख दिया। यस सर। तो रूट 54 इनटू ये कितना आ जाएगा, 17 तो क्या 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा, जोड़ा बना, 2 का भी बना और एक 17 का बना। यस सर। तो 2 आया, 2 एक आया, 3 के कितने आए, 2 और 17 सभी क्या आ गए, 2 ये हो गया। तो अब देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 17 और 18 का मल्टीप्लाई करो, 306 ये हो गया। अब अब ये नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स कैसे निकालोगे बताओ? सर 306 बाय 9 नंबर ऑफ 306 बाय 9 9 से डिवाइड करो, 9 3 34 फ्लावर बेड्स। कार्तिक का तो ठीक है, बाकी मुझे का पता नहीं है सर, मेरा भी यही है। यही आ रहा? यस ठीक, आपका मैंने देखा है। सो दिस इज द आंसर। ओके, बाकी यूनिट्स लिखी होगी तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन आप करते हैं, चलो और वाला।
ये वन भी ओके इसी में एक और है There are two cylindrical vessels have their base area this is their heights are this find the ratio of their volume देखो cylindrical vessel है क्या आपको मालूम है किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट हाइट तो इसका बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट एच तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर एच पाई आर स्क्वायर देखो हां बेस एरिया इनटू हाइट हाइट तो बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट यही हो गया अच्छा अगर इसे सिलेंडर वन माना जाए इसे सिलेंडर टू तो सारे डायमेंशंस लिख लो बेस रेडियस इसकी 16 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट 8 है और इसकी 16 है चलो हमने लिखा नहीं कोई बात नहीं 8 सेंटीमीटर और इसकी ले लो 16 सेंटीमीटर तो V1 by V2 को मैं क्या लिखूं क्या पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन देख लो ये चीज समझ में आई वी वन तो ये हो गया वी टू वही चीज है बट इसमें आर वन एच वन लिखा तो पाई से पाई कटा आर वन की जगह क्या लिखोगे 16 स्क्वायर और आर टू की जगह 8 स्क्वायर हाइट कितनी है 8 और ये है 16 तो कुछ चीजें कट जाएंगी क्या इसे मैं 16 × 16 × 8 लिख दूं और इसे 8 × 8 × 16 लिख दूं देख लो दो बार लिखा जाएगा क्या तो ये इससे कट गया 2 आ गया 8 × 16 तो ऐसे ही कट गया अब देखो ये इससे कट गया तो क्या रेशो आया 2:1 ठीक है सो दिस इज द सर वो 8 स्क्वायर तो अच्छा ये कटा ही नहीं किसी कट गया ना सर कट गया ना ये ऊपर वाले हेड से सर सब कट गया एक और सवाल होगा अभी चलो नाउ 27th क्वेश्चन करो द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज दे रहा है कि अगर एक पेयर जूते खरीदते हो तो ₹5 के मिलते हैं दो जोड़ी तो इससे प्लॉट इसको प्लॉट करना है और जॉइन करना है तो प्लॉट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो नंबर ऑफ शूज एंड करस्पॉन्डिंग प्राइस तो यहाँ लिखो प्राइस ठीक है अब प्राइस रुपीज में लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में और नंबर ऑफ शूज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक है और यहाँ पर 5, 10, 15 का कर लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 and 30 तो ये हाँ प्राइस तो 100 होगा ना 100 500 ना तो मतलब 5 लिखा है तो 500 माना एक जोड़ी जूता 500 का तो वन पेयर ऑफ शूज ये क्या है ये क्या पेयर ऑफ शूज है तो पेयर ऑफ शूज तो 1 500 का तो 2 3 1500 4 2000 5 2500 2500 और 6 3000 3000 तो इससे क्या एक लाइन बन जाएगी तो ये लीनियर ग्राफ हुआ कि नहीं तो द ग्राफ इज लीनियर यहां लिख दीजिएगा 1, 5 2, 10 3, 15 4, 25 35 and 6 30 और यहां क्या लिख लोगे इसके एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1 पेयर ऑफ शूज और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 समझ आ गई बात की नहीं तो द ग्राफ इज लीनियर वैसे फ्रॉम दिस एन ऑर्डर पेयर एंड जॉइन व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वी विल इतना ही रखो
थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल 9 o'clock साइंस होगा। ओके सर। यस सर। Thank you.